यहां पर पधारे मेरे दूर दराज के किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये सारा क्षेत्र जो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र की जनता को मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं जब भी इस क्षेत्र में जाता हूं, मुझे लगता है कि नवाना और नवाना के आसपास तमाम गांवों के अंदर यहां पर एक व्यापक कार्ययोजना बनानी होगी, ताकि इस सारे इलाके को हम खुशहाल और समृद्ध कर सकें। और इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी माननीय विधायक महोदय ने सही कहा कि विकास की काफी योजनाओं को राजनीति के आधार पर सरकारें देखने का काम कर रही है। सरकारों को राजनीति आधार पर विकास में पक्षपात नहीं करना चाहिए। चुनाव का मैदान होता है, चुनाव में विचारधाराओं के आधार पर, घोषणाओं के आधार पर सरकार बनती है, लेकिन जब सरकार किसी भी दल की बन जाती है तो वह सरकार पूरे राज्य की जनता की सरकार होती है और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो अविकसित इलाका है, जहां विकास की मूलधारा नहीं पहुंची है, सबसे पहले उस अविकसित इलाके को विकसित इलाके के समक्ष बराबर को लाने का प्रयास करें। इस सोच से सरकार को काम करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की भावनाओं को समझा, उन पिछड़े इलाके के लोगों के अभाव को देखा और उन्होंने देश में एक योजना बनाई कि पूरे देश के 123 जिले जो आकांक्षा जिले हैं, जो विकास की आकांक्षा कर रहे हैं, विकास की मांग कर रहे हैं, उनको देश के और जिलों के समक्ष खड़ा किया जाए। और योजना में सरकार ने काम करना शुरू किया। अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। आपने बहुत प्यार से, आशीर्वाद से मुझे यहां दो बार चुनकर भेजा। 2019 के अंदर 2014 से ज्यादा मतों से भेजा और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मुझे नई जिम्मेदारी भी मिली।
इस नई जिम्मेदारी को निभाने में सबसे बड़ी शक्ति होती है तो आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति होती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है और मैं संसद में इस बात को कहता हूं, किसी भी संसद सदस्य को चाहे कोई भी जिम्मेदारी मिले, उस जिम्मेदारी को निभाने में अगर किसी की प्रेरणा होती है तो संसदीय क्षेत्र की जनता की होती है। और यही हमारी कोशिश होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है उस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करें। जिस अपेक्षा आकांक्षा के साथ जिम्मेदारी मिली है उस अपेक्षा आकांक्षा को पूरी करें। ये बात सही है कि मैं संसद में सबकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये कोशिश करता हूं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात संसद के माध्यम से सरकार को पहुंचे, उनको पर्याप्त समय मिले, पर्याप्त अवसर मिले, ताकि वह जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को रख सके। लेकिन मेरी अपेक्षा आकांक्षा तो मुझे ही संभालना है, मेरी गौरव जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी गौरव जिम्मेदारी में जिम्मेदारी संसद सदस्य के रूप में आपने मुझे दी है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि अब इलाके के अंदर किस तरीके से सामूहिकता के साथ हमारे संगठन को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत मजबूत करते हुए लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की है। जो कार्यकर्ता इस संगठन के लिए जनता की सेवा करने के आया, जनता की कल्याण करने के लिए आया और जिसका लक्ष्य एक है कि मैं किस तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता का अधिकतम कल्याण कर सकूं, उनके अभावों को दूर कर सकूं, उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकूं, इसके लिए आप सामूहिक प्रयास करते रहते हैं। कार्यकर्ता साथियों, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनता की हमारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं, आकांक्षाएं हैं, उसके लिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत अपने अपने गांव के अंदर, जो इलाके का गांव सबसे पिछड़ा गांव है, जहां विकास अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां कार्यकर्ता बैठकर योजना बनाए कि हमारे गांव की प्राथमिकता क्या क्या होना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हम गांव को लेकर बैठे, गांव में चर्चा करें और उस चर्चा संवाद से, उस मंथन से जो निष्कर्ष निकले, जो अमृत निकले, वह सरपंच को बताएं, विधायक महोदय को बताएं, सांसद महोदय को बताएं, ताकि हर जनप्रतिनिधि उस गांव के अंदर जब विकास की कोई योजना लेकर जाए तो अलग अलग विकास के काम बताने की अपेक्षा सामूहिक रूप से गांव ने बैठकर जो निर्णय किया
उन निर्णयों में प्राथमिकता के आधार पर कौन सा विकास जिससे हम गांव का कल्याण कर सकते हैं, जो प्राथमिकता में सबसे आवश्यक है उसको प्राथमिकता के आधार पर कराने का काम किया। साथियों, मैं आपसे यही वादा करना चाहता हूं कि आप हर गांव के अंदर कार्यकर्ता जनता को लेकर साथ में बैठे। हमारी कोशिश होना चाहिए कि इस 2 साल के अंदर हमें हमारे गांव के अंदर विकास की कौन कौन सी योजनाओं को पूरा करना है और अगले 10 साल के अंदर मेरा गांव कैसा होगा, इस कल्पना के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। जब हर गांव का व्यक्ति विचार करना लगेगा कि मुझे मेरे गांव को आदर्श गांव बनाना है, मेरी पंचायत को आदर्श गांव बनाना है, उसमें मेरी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, मेरे यहां पढ़ने वाले बच्चे को कैसी शिक्षा मिलना चाहिए, विद्यालय ठीक से है या नहीं, विद्यालय में किन किन चीजों का अभाव है, ताकि हम अच्छी शिक्षा देकर अच्छा देश का नौजवान तैयार कर सकें। अगर गांव 100% शिक्षित होगा, गांव में पढ़ने वाला बच्चा उसको शिक्षा भी मिले, नई तकनीकी की शिक्षा भी मिले, संस्कार मिले, तो वह गांव का विकास भी करेगा और अपने परिवार का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। और इसीलिए मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि हम सब लोग यहां पर सामूहिकता के साथ बैठे हैं और सामूहिकता की बहुत बड़ी ताकत होती है और हम सब लोग जब सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता के रूप में आए हैं तो हमारा लक्ष्य कर्म करना है, हमारा लक्ष्य समाज सेवा करना है। कभी भी कार्यकर्ता जो संगठन में काम करता है उसको विचलित और व्यथित नहीं होना चाहिए। कई बार कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता व्यथित और विचलित हो जाता है, भाई साहब हमें इतने साल काम करते हुए हो गया, हमें क्या मिला। हम किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते। हम तो इस संगठन में आए इसलिए थे कि मेरे माध्यम से, मेरे सामूहिक प्रयासों से मैं किस तरीके से गांव का विकास कर सकूं और गांव में रहने वाले हर वंचित और गरीब व्यक्ति की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं इस संगठन के अंदर काम करने आया हूं। ये जब मन में विचार होगा तो कभी कार्यकर्ता विचलित और व्यथित नहीं होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य तो उस गांव की सेवा करने का है। कभी भी सामाजिक सेवा के अंदर प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रतिफल तो भगवान हमेशा देता ही देता है और इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि चुनाव के अंदर जब चुनाव युद्ध होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, ये बात सही है, लेकिन हारने वाले की भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी जो पराजित हुआ है उसकी और जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरी सेवा में कहीं ना कहीं कमी होगी और मैं सेवा और पुण्य करने का काम करूं। साथियों, ये बात सही है कि मेरा आपके बीच में मिलना पहले की अपेक्षा कम हुआ है। मेरी बहुत हमेशा इच्छा रहती है कि मैं हर गांव में पहुंचूं और पंचायत में पहुंचूं, वहां लोगों के साथ बैठूं, उनकी बातों को सुनूं, लेकिन अब दोहरी जिम्मेदारी होने के कारण ये जिम्मेदारी मैं आप पर डालना चाहता हूं। मेरी आपसे एक ही अपेक्षा है कि हम हर पंचायत, हर गांव के अंदर हमारे विकास के मॉडल को तैयार करें। दूसरा, हमारे गांव के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे बीमार है, परेशान है, उसकी इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था करें और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कोई व्यक्ति बीमार है,
पहले दो बातें मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर करना और जिंदगी को बचाना हमारा दायित्व है, और इसीलिए हर गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हर पंचायत हेड क्वार्टर पर हम एक चिकित्सा का कैंप लगाएं जहां तमाम गांव के लोगों की जांच हो जाए, और उन गांव के अंदर जितने लोगों को इलाज की आवश्यकता बूंदी में, नवाना में, कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, कम से कम दिल्ली में बैठकर मैं सुकून की नींद सो सकूं कि मेरे क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ है और उसको कोई परेशानी नहीं। और इसके लिए आपको जिम्मेदारी संभालनी होगी। ऐसे में मेडिकल वैन गाड़ियां बना रहा हूं जो हर गांव में जांच करने जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं सामूहिक रूप से आपको कह रहा हूं आने वाले समय के अंदर ये इलाका बहुत अविकसित इलाका है, यहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, इसलिए उस गरीब व्यक्ति की सेवा करना हमारा ही धर्म है, मुझे इस गरीब की सेवा करना है, ये मनोभाव से काम करने की आवश्यकता है। आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे विधायक महोदय बैठे, मैं बैठा हूं, गांव का सरपंच है, और कोई भी बात हो कभी कोटा में, जयपुर में, कहीं भी आप टेलीफोन कर सकते हैं। हर व्यक्ति का घर कोटा में हो, चाहे देश के हर हिस्से के अंदर हो, चाहे इलाज हो, चाहे कोई भी काम हो, आप सब मिलकर ये काम करेंगे तो हम हर काम को पूरा कर पाएंगे। और इसी तरीके से हर गांव के अंदर हम हमारे गांव के विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने का काम करें, और इसके लिए उस विद्यालय के अंदर जो जो कमी है, अगर हमने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छी संस्कार दे दिए तो गांव अपना समृद्धशील हो जाएगा। और इसके लिए वहां जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सरकारी विद्यालयों को के अंदर जो जो कमी है हम हर गांव के अंदर बैठे उन कमी को बताएं, विधायक महोदय मुझसे मिले, ताकि हमारे हर गांव को दुनिया का सबसे सबसे विद्यालय बना सके और हमारा बच्चा सबसे पढ़ा लिखा हो। ये चिकित्सा और शिक्षा दो काम, और तीसरा काम जो सबसे बड़ा आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हमारे गांव के अंदर हम किस तरीके से हमारे गांव के किसान मजदूर नौजवान की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए गांव बैठकर चर्चा करें कि ये कार्य योजना है जिसके आधार पर हमारे गांव के अंदर हर व्यक्ति को रोजगार भी मिल सकता है, काम भी मिल सकता है। मैंने कई दूर दराज के अंदर देखा है कि वहां की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा एक अच्छा उद्योग खड़ा करने लगे। गांव की महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, और उन गांव की महिलाओं ने उस संगठन के माध्यम से काम करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हजारों मॉडल देश के अंदर बेहतरीन तरीके के चल रहे। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी मॉडल मुझे अभी तक ठीक नजर नहीं आया, इसलिए मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहता कि वह अपने गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हमें बताएं, हम उनको बैंक से लोन दिलाएंगे ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर खड़ी हो सके और लोगों को रोजगार भी दे सके और खुद आमदनी भी ले सके, क्योंकि हमारी दृष्टि लोगों को रोजगार देने की भी होनी चाहिए, और रोजगार देने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले मेरे गांव के अंदर मैं कैसे रोजगार के संसाधन बढ़ा सकता हूं उस पर विचार करना और उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाना। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा की ओर काम करेंगे तो एक अच्छे प्रयास करेंगे। ये बात सही है कि मैं गांव में जाता हूं तो लोग रोड की बात करते हैं, पीने की पानी की बात कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए 2023 तक सरकार ने लक्ष्य बनाया हर घर तक पानी पहुंचाने। ये बात सही कह रहे हैं डोगरा साहब कि गरड़दा बांध का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ,
मैं सरकार से भी वार्ता करूंगा ताकि गर्दावान का काम जल्दी पूरा हो, ताकि उसके माध्यम से हर घर में नल भी पहुंचे और किसान के खेत में पानी भी पहुंचे। और इसी तरीके से छोटे छोटे एलिकट और कैसे पानी की योजनाएं बना सकते हैं, इसके लिए गांव भी सामूहिकता से काम करें। अगर हमने गांव के अंदर अंडरग्राउंड वाटर को लेवल को बढ़ा दिया तो भी हमारे हैंडपंप ट्यूबवेल से हम काफी लोगों को, काफी खेतों को पानी दे सकते हैं। हमें खेती के आधुनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। पशुपालन लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी पशुपालन उद्योग के लोग जो काम करने वाले हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही उनको पशुपालन क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे कम ब्याज पर वह और पशु खरीदकर पशुपालन के उद्योग को और बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि रोजगार का साधन और खड़ा कर सकते। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को समझना और उन योजनाओं का लाभ जनता तक मिले, ये हमारे सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए मैं कार्यकर्ता साथियों आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस संगठन में आए, जिस लक्ष्य से आए, जिस दायित्व से आए, ये मानकर चलो कि मुझे ही मेरे गांव की दशा और दिशा को परिवर्तन करनी है, मेरे को ही मेरे गांव के अंदर हर गरीब व्यक्ति की सेवा करनी है, ये पुण्य करने का दायित्व भगवान ने मुझे ही दिया है, इस मानकर काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस लक्ष्य को लेकर हम काम करें तो आज नहीं तो कल हम गांव की दशा और दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं और हर गांव के अंदर आदर्श गांव की व्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब हम अगली बार चर्चा करेंगे तो कुछ चर्चा करते समय हमारे हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर 2 महीने के अंदर चर्चा कर हम सामूहिकता के साथ अपने ज्ञापन को तैयार करेंगे। और मेरी कोशिश होगी जो काम आपने बताए हैं प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि राज्य सरकार अभी जो स्थिति आपको एमएलए साहब ने बताई वह हालात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी चाहे राज्य से बात करनी पड़े चाहे केंद्र से बात करनी पड़े, विकास के मामले के अंदर किसी भी दल को किसी भी सरकार भेदभाव इस इलाके से न करे, ये मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है। इससे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, मुझे समय कम मिलता है, लेकिन आप हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और इस आशीर्वाद मेरा यही, मुझे आशीर्वाद जब भी मिलेगा जब हर गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर हम खुशी ला सके, उत्साह ला सके और लोग कहें कि इस संगठन का कार्यकर्ता हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, सुख और दुख के अंदर भागीदार के साथ खड़ा रहता है, बेटे भाई के रूप में सेवा करता है, यही हमारा लक्ष्य है। मैं आशा करता हूं आज नवाना के अंदर मेरा काफी दिनों बाद आना हुआ, मैं आना तो चाहता था गरड़दा के अंतिम गांव के अंदर, और एमएलए साहब ने कहा कि एक बार नवाना कर लो फिर गरड़दा के अंतिम गांव में जाना है। मैं इस गरड़दा के आसपास के गांव नवाना, लोहिचा और जो तमाम गांव जहां पर अभी विकास कम हुआ है उन गांव में पहुंचना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जब भी अगला कार्यक्रम बनाएंगे तो उस गांव में बनाएंगे जो सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, ताकि वहां पर उस गांव को आगे लाने की हम योजना बना सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार सुने आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कभी भी आप किसी भी समय कोटा ऑफिस में टेलीफोन कर सकते हैं, दिल्ली में टेलीफोन कर सकते हैं, आपके लिए कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, सब जगह में व्यवस्था कर रखिए ताकि किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी न हो। विकास के काम आज नहीं तो करोगे, लेकिन हम लक्ष्य बना के रहेंगे तो वो भी होंगे, लेकिन विकास के साथ साथ सबसे बड़ा काम है मानवीय सेवा। मानवीय सेवा की संवेदना
हर कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए। और जब भी गांव के अंदर देखे कि इस गांव के व्यक्ति के पास ये अभाव है, मैं कैसे इसके अभाव को पूरा कर सकता हूं, इस जिम्मेदारी को ठीक कर सामिक रूप से मिलकर बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि अगली बार जो गांव का कार्यक्रम बने तो जो सबसे पिछड़ा गांव है उसमें कार्यकर्ता का योजना बनाएंगे और इतनी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मैं यहां पर आपका सांसद हूं, जनप्रतिनिधि हूं, देश के लिए स्पीकर हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए तो आपका बेटे भाई के रूप में काम करना चाहता हूं और इसी तरीके से काम करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।